सबसे पहले है पावर का बटन, उसके नीचे है प्ले और पॉज या ऑटोमेटिक का बटन, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले है सॉइल लेवल कि आपके कपड़े कितने गंदे हैं, मिट्टी वाले हैं, हैवी है, नॉर्मल है, लाइट है, ये उसके लिए है पहला बटन। सेकंड वाला बटन है जो बीप की, जो आप बीप की आवाज़ सुनते हैं, जो आपके वॉशिंग मशीन का जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आती है, तो वो आपको हाई सुननी है, लो या ऑफ करनी है। उसके बाद थर्ड बटन है वाटर लेवल का, जो कि आप इस टब में जब पानी भरता है कपड़े धोने के लिए वो कितने लेवल पे चाहिए, एक लेवल, टू लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन्थ, टेंथ, ऐसे आप कितने लेवल तक कपड़े पे पानी में घुमाना चाहते हैं। फोर्थ बटन है जो वो है कि आप वॉश टाइम कितना लगाना चाहते हैं, 3 मिनट का, 6 का, 9, 10, 13, ऐसे करके 25 मिनट तक का, ठीक है। और उसके बाद है फिफ्थ बटन रिंस, यानी कि आपका पानी में कितनी बार कपड़ों को घुमाना है, जो साफ पानी में, पानी से निकालना, वो है आप एक बार पानी में निकालना चाहते हैं पानी को, साफ पानी से कपड़ों को, सर्फ वाले कपड़ों को साफ पानी से कितनी बार निकालना चाहते हैं, एक बार निकालना चाहते हैं, दो बार, तीन बार या चार बार, ये उतनी बार टब में पानी भरेगा और कपड़ों को अच्छे से घुमा के पानी निकाल देगा। और अगर आप दो पे सेट करोगे तो दो बार पानी भरेगा इसमें, और सर्फ वाला जो कपड़े होंगे दो बार साफ होंगे। अगर आप तीन बार भरोगे तो तीन बार, और चार बार भरोगे तो चार बार। अगर आप ऑटोमेटिक लगाते हो तो एक बार तो उसने होना ही है। उसके बाद है हमारे पास सिक्स्थ बटन जो है स्पिन का, स्पिन यानी आप कपड़ों को सुखाना, कैसे कपड़ा सुखाना चाहते हैं, लो में या माइल्ड या हाई, ये इसलिए है। और जो आपका इसके बाद सेवन्थ और एट्थ बटन है, ये बटन्स के है प्रोग्राम्स के। जो सेवन्थ बटन है फर्स्ट प्रोग्राम का, उसमें नॉर्मल में तो हमेशा ही जब ऑटोमेटिक करोगे तो नॉर्मल ही घूमेंगे। उसके बाद सेकंड है टर्बो वॉश, थर्ड है क्विक वॉश, और फोर्थ है स्ट्रॉन्ग। नॉर्मल में तो हमेशा ऑटोमेटिक में घूमेगा, टर्बो वॉश यानी कि ये थोड़ा कपड़ों को अच्छे से साफ करेगा। क्विक वॉश जो है थर्ड बटन, वो इसलिए है कि आप जल्दी से कपड़ों को धोना चाहते हो। जो डेडिकेट कपड़े होते हैं जिनको आप हाथ से धोना चाहते हैं, वैसे कपड़े आप क्विक वॉश पे धो सकते हैं, जो कि 22 से 25 मिनट तक का प्रोसेस होता है। इसमें आपके कपड़े में सर्फ में घूम भी जाएंगे, उसके बाद रिंस भी हो जाएगा और स्पिन भी हो जाएगा, ये तीनों काम वो 22 से 25 मिनट में हो जाएगा। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग वॉश। स्ट्रॉन्ग वॉश जो है जीन्स के लिए होता है, जो ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, तो आप इस पर लेवल पे सेट कर दीजिए तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद है प्रोग्राम टू, इसमें प्री वॉश प्लस नॉर्मल, इसमें आपके कपड़े को भिगो के भी रखेगा और नॉर्मल में धोएगा। उसके बाद है सेकंड लेवल पे जो प्रोग्राम टू, एक्वा रिजर्व। एक्वा रिजर्व में क्या होगा कि आपका जो पानी सर्फ वाला इसमें घूम रहा होगा वो आपको उसमें रुक जाएगा और आपका बीप बजेगा, जिससे कि वो निकाल के आप दूसरे कपड़ों को भी धो सकते हैं। उसके बाद थर्ड जो है जेंटल वॉश, जिसमें आप अपनी साड़ीज और वूल के कपड़े जो
उन्नी कपड़े होते हैं वो धोने के लिए हैं। और जो फोर्थ है इसका टब क्लीन, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके बाद हमारा है पावर और प्ले पॉज का बटन। ये जो आपका स्टार्ट और पॉज वाला बटन है यही ऑटोमेटिक का भी काम करता है। अगर आपको इसमें से कोई भी फीचर समझ नहीं आता है तो आप इसको ही दबा सकते हैं। पावर को प्रेस कीजिए, ये प्रेस कर दीजिए तो आपका ये मशीन का काम स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम अभी खाली है मशीन, तो आपको फिर भी डेमो के लिए बता देते हैं। हम ऑन करके बताने जा रही हूँ, जो कि आप अच्छे से एक बार सुन लीजिएगा। इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको किसी भी तरह का नॉलेज नहीं आएगी। तो दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पावर का बटन ऑन करेंगे। पावर का बटन ऑन होते ही ये मशीन ऑन हो जाएगी और प्रोग्राम सेट हमें खुद करना पड़ेगा। इसमें सॉइल लेवल आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मिट्टी कपड़ों में कितनी है, ये उस अकॉर्डिंग है। ये एक्स्ट्रा फंक्शन है जिसको आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है बीप की आवाज़, हमने हाई पे रखी है, आप लो पे कर सकते हो, ऑफ भी कर सकते हो। अभी वाटर लेवल, आपने अपने कपड़े जितने भी डाले हैं उससे आप ऊपर ही पानी का लेवल रखोगे। तो आप अगर हाफ करना चाहते हो तो 5, अगर उससे ऊपर करना चाहते हो तो 5 से ऊपर वाले बटन करेंगे, नहीं तो नीचे वाले। तो मैं अगर इसमें ये बटन दबा रही हूँ, 7 पे ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हमें 7 नहीं करना है, 8 भी नहीं बनना है, हमने 5 लेवल तक आधा वॉशिंग मशीन को फिल करना है। तो हम इस तरह प्रेस करके 5 तक लेके आएंगे थर्ड वाले बटन को। अभी ये फोर्थ वाले बटन का काम आपको बताया था मैंने कि ये कपड़ों को घुमाएगा कितनी देर, 15 मिनट का इसका लेवल इसने सेट किया है। हमने अगर देखा है कि हमने कपड़े गंदे कम हैं तो हमने कम ही घुमाने हैं, तो हम इसको 9 या 10 पे रखना चाहते हैं, तो इस बटन को प्रेस करेंगे बार बार, 3, 6, 9, तो ये 9 पे आ गए। अब ये रिंस, ये कपड़ों को कितनी बार अपने सर्फ वाले कपड़ों को पानी से निकालना है, तो ये 1 बार है। तो अब अगर 1 बार तो इसका नेचुरल ही है, इसने सेट ही करना ही है, तो आप 1 बार और कर दीजिए, 2 बार हो गया। तो ये 2 बार कपड़ों को, 1 बार पानी लेगा, घुमाएगा, निकाल देगा, 2 बार, 1 बार और लेगा, फिर घुमाएगा, इस तरह से 2 बार लेगा। अभी ये माइल्ड पे सेट होता है कि आपने, अभी ये माइल्ड का बटन है हमारा 6th बटन, यानी कि कपड़ों को जो सुखाना है वो माइल्ड पे सुखाना है। 1 बार और दबा दें तो हाई, यानी कपड़े ज़्यादा सूखेंगे इससे। इससे ऊपर करेंगे कि नहीं, सुखाना ही नहीं है हमने कपड़ों को, तो ये कोई भी नहीं आया लेवल से। 1 बार और दबाते हैं तो लो पे, माइल्ड पे, इस तरह से। और जब हम ऐसे करेंगे सेट तो ये नॉर्मल पे सेट होता है। इस तरह से करके आपने, अगर आपका टाइम आ गया 58 मिनट्स का, तो आपने ये प्ले बटन प्रेस कर देना है, ठीक है। ये हो गए सारे बटन्स का काम। अभी हम इसको प्ले को दबा देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो अभी हम दोबारा से करते हैं। अभी हम आपको बता रहे हैं टर्बो वॉश। अभी पावर मैंने दोबारा से ऑन किया है, अब प्रोग्राम कोई सेट नहीं है जो कि यहाँ से इंडिकेट हो रहा है, तो हमने नॉर्मल में तो ये हो गई। सेकंड है टर्बो वॉश, थर्ड है क्विक वॉश। तो आपको क्विक वॉश दिखाते हैं कि ये 28 मिनट का प्रोसेस होगा। क्विक वॉश प्रोग्राम मैंने सेट किया है, इसमें आपका 2 लेवल पानी भर रहा है, क्योंकि 3 मिनट ही घूमेगा, डेडिकेट कपड़े हैं तो कम ही घुमाएगा। 1 बार इसको पानी से हंगालेगा, लो में से सुखाएगा, तो इस तरह से ये 28 मिनट का प्रोसेस होता है। स्ट्रॉन्ग वॉश जो है वो हमें सेट करना होगा, वो कपड़ों को वो देखेगा, स्ट्रॉन्ग वॉश में ये कपड़ों के वेट के अकॉर्डिंग सेट करेगा। अभी हम स्ट्रॉन्ग वॉश पे प्ले करके देखते हैं, जबकि हमारी मशीन खाली है, तो फिर भी देखते हैं कि ये कितना लेवल सेट करता है। और हाँ दोस्तों, स्ट्रॉन्ग वॉश में क्या होता है कि जो कपड़े का घूमना है वो जितने मिनट भी सेट होगा, लेकिन उसका जो घूमने का व्हील होगा वो टाइम प्रोसेस ज़्यादा होगा। अभी देखिए, आप मशीन वेट के लिए घूम रही है, सेंस कर रही है, वेट चेक करेगी कपड़ों का, तो उस अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग पे सेट होगा। अभी सेंसिंग हो रही है, आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। सेंसिंग इसने 50 की है, क्योंकि इसमें कपड़े नहीं है, तो इसने 2 लेवल तक पानी, 10 मिनट घूमना, 2 बार इसको हंगालेगा और माइल्ड पे सुखाएगा। ये है इसका स्ट्रॉन्ग का काम। अभी हम बताते हैं आपको पावर ऑफ करके, दोबारा से पावर ऑन करके, प्रोग्राम 2 का काम।
ये प्री वॉश प्लस नॉर्मल आपको बताया था कि ये कपड़ों को भुगा के रखेगा और उसके बाद ये नॉर्मल पे सुखाएगा। एक्वा रिजर्व अगर पानी को आपने रिजर्व करना है, जेंटल में ये 53 मिनट के लिए घुमाएगा जिसमें आपका 7 लेवल पानी भरेगा, 6 मिनट के लिए घुमाएगा, 2 बार ये पानी से रिंस करेगा, फिर उसके बाद लो सुखाएगा। ये जेंटल कपड़ों के लिए है। जो भी जेंटल और क्विक वॉश है उसमें ये पानी में हमारा सर्फ में पानी कपड़ों को घुमाने का जो प्रोसेस का टाइम होगा वो कम होगा, पानी का लेवल इसमें बढ़ गया है, बाकी ये नॉर्मल पे चला गया है, ये नॉर्मल ही रहेगा सॉइल लेवल हमारा, ठीक है। और टब क्लीन का जो काम है वो तब करना है जब हमारे 30 वॉश हो जाएंगे, या अगर कम कपड़े धोते हो तो 3 महीने के बाद आप, एक पाउच आता है एलजी का ही जो आपने इसमें डालना है पाउडर का, और इसको टब क्लीन पे लगा देना है। जो टब क्लीन का प्रोसेस है वो आपने ऐसे ऑन कर देना है 1 आवर और 52 मिनट्स का प्रोसेस है, जिसमें ये 10 लेवल तक पानी भर के उसमें से पाउडर को हम डालेंगे तो दोनों मिक्स होके ये 1 आवर और 52 मिनट्स का प्रोसेस होगा, जिसमें ये इसके वॉल्स में जो गंदगी जमा होगी वो सारी निकल जाएगी इसके अंदर, जो वॉशिंग मशीन के अंदर, वॉशिंग मशीन के अंदर हमारे ये जो वॉल्स बने होते हैं इसके अंदर से ये आउटसाइड पे गंदगी जमा हो जाती है। अगर हम इसको टब क्लीन को टाइम पर नहीं करते हैं तो इसमें से ही वही गंदगी वापस आके हमारे कपड़ों में भी होती है और मशीन की लाइफ को भी ये ख़राब करती है, तो इसलिए टब क्लीन ज़रूर करें। अब आपको बताते हैं कि अगर आपको इनमें से कोई भी पॉइंट यूज़ नहीं करना है या आपके पास टाइम नहीं है तो आपने पावर ऑन करके, जैसे कि अब ये ऑन है तो ऑटो पे लगा देना है, ये ऑटो पे पावर ऑन किया, स्टार्ट पॉज वाला बटन प्रेस किया और ये ऑटो पे चल जाएगा, आपको इसमें से किसी भी बटन को यूज़ करने की नीड नहीं है और ये अपने आप से कपड़ों को सेंस करके सेट हो जाएगा प्रोग्राम, कितने भी कपड़े होंगे उस अकॉर्डिंग, कितने गंदे हैं ये उस अकॉर्डिंग सारा प्रोग्राम सेट कर देता है। अगर फिर भी जैसे कि अभी ये कर रहा है कि आपको इसमें से किसी भी प्रोग्राम, जैसे कि मेन जो है वाटर लेवल, वॉश, रिंस या स्पिन का, चार में इन चारों में से कोई भी प्रोग्राम आपको अच्छा नहीं लगा या इसके साथ अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अभी जैसे इसने 10 मिनट्स तक का वॉश करना है, 10 मिनट्स घुमाना है कपड़ों को, अगर आप उसको बढ़ाना या कम करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ये पॉज का बटन दबाना है। पॉज होने के बाद आप इसको 13 मिनट्स तक घुमा सकते हैं, 14 मिनट्स, ऐसे आप इसका टाइम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद रिंस का, तो आप इसको जैसे कपड़ों को 2 बार पानी से निकालना है, 3 बार, ये आप खुद भी बदल सकते हैं। कपड़ों को ज़्यादा सुखाना है, जैसे कि सर्दी में हमें हाई सुखाना होता है, गर्मी में तो लो भी चल जाता है, तो हम ये हाई भी कर सकते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये नहीं आप सेट कर सकते, अगर ये सेट करना है तो आप ऑटो नहीं करेंगे, तो आप इन 4 बटनों में से यूज़ कर सकते हैं, यहाँ तक वाटर लेवल, वॉश, रिंस और स्पिन को। तो इसको दोबारा से हम प्ले कर देंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। अगर इन केस अगर आपको लगता है कि आपके कुछ कपड़े बाहर रह गए हैं तो आपने वो डालने हैं, तब भी आपने ये स्टार्ट और पॉज का बटन प्रेस करके एक बार फिर कपड़े खोलने हैं और डाल देने हैं और बंद करके दोबारा से इसको प्ले कर देना है, तो ये प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अगर हम इसको ऐसे ही खोल देंगे तो एरर आ जाती है, जो कि प्रोसेस रुक जाएगा तो आपको पता नहीं लगेगा। ये देखिए ऐसे ही खोल दिया, ये मशीन बीप भी कर रही है और इसने एरर भी बता दिया है कि एरर है आपके, तो आपको हम दोबारा से करना पड़ेगा प्ले को पॉज। अगर लाइट चले जाती है तब भी यहाँ पे, उसके बाद ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाती है अपने टाइम पे। अगर आपने पानी ऑन नहीं पीछे से किया या टंकी में पानी ख़त्म हो जाता है तब भी इस पर एरर आ जाती है, तो इसकी बीप की आवाज़ हाई ही रखी है मेरे हिसाब से, ताकि आपको कुछ भी इसमें एरर आए या कपड़े धुल जाएं तो आपको पता लग जाए। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये हमने कहाँ से ख़रीदा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपको इसके कवर के बारे में भी बताएंगे कहाँ से ले सकते हैं और कौन से साइज़ का और कितने में आता है। अगर कवर के लिए जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, तो हम आपको कवर के बारे में भी बताएंगे, जो कि बहुत अच्छा है, वाटर रेसिस्टेंट है, धूल मिट्टी के भी नहीं जाएगी मशीन के अंदर और इसकी लाइफ बढ़ेगी।
जितना आप इसको मशीन को अच्छे से रखोगे उतनी इसकी लाइफ अच्छे से बढ़ेगी। तो टब क्लीन करना और इसका कवर बिल्कुल नहीं भूलना है।